स्टडी एस्पायर। टुडे वी विल स्टडी क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज होता क्या है? एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड। ठीक है, कुछ भी चीज हमारे एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट है, जो हमारी नीड्स को, हमारे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन ये है हमारी आधी अधूरी डेफिनेशन। आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। विदाउट दीज थ्री टर्म्स दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। बात करते हैं टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल क्या होता है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होता है, देखो कोई भी चीज, कोई भी थिंग जो इन्वायरमेंट में है, आपके पास खुद के पास चलकर नहीं आएगी, तो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिसके थ्रू वो चीज रिसोर्स बन के आती है हमारे पास तक। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है कि जो भी वो रिसोर्स है वो इतना वैल्यूएबल होना चाहिए, मतलब ना तो ज्यादा लोगों को नुकसान दे तो प्रॉफिट में होना चाहिए। ठीक है, वो इकोनॉमिकली फिजिबल है कि सब लोग अफोर्ड कर पाए उस रिसोर्स को, अपनी नीड को सेटिस्फाई कर पाए। अब बात करते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब है कि वो लोगों के लिए, समाज के लिए प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, नुकसान कुछ ना हो, उसके फायदे हो, ऐसा रिसोर्स जो लोगों के लिए, लोगों को सेटिस्फाई करता हो, लोगों के फायदे के लिए है, वो हमारा आता है कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज? रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया है बेसिकली फोर टर्म्स में। On the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, on the basis of status of development. पहले बात करते हैं on the basis of origin. Origin में बात करते हैं biotic and abiotic. ठीक है, origin में define किया हुआ है biotic and abiotic. On the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable. नाम ही suggest करता है जो भी thing renew हो सकती है, reproduce हो सकती है, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, ये है ऑनरशिप। मींस जैसे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में आते हैं जैसे अपना घर, अपना प्लॉट, जो इंडिविजुअल खुद का है, उस पर किसी और का हक नहीं है। कम्युनिटी में आता है जैसे पब्लिक पार्क, वो सब। नेशनल में आता है जो हमारे नेशन का है। इंटरनेशनल में आता है आप वो रिसोर्स यूज कर सकते हो, लेकिन विद द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट को क्लासिफाई किया गया है पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई कैसे किया गया है? ठीक है, कैसे क्लासिफाई किया हुआ है? बायोटिक रिसोर्सेज में और एबायोटिक रिसोर्सेज में। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। ये रिसोर्सेज कहां से लिए जाते हैं? ऑब्टेन किए जाते हैं बायोस्फीयर से, और इनकी लाइफ होती है। सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फ्यूना आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो भी थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज्ड होती हैं, उनको हम एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएट। व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज? फर्स्ट डिफरेंस, द फर्स्ट नॉन लिविंग एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं वो हमारा एबायोटिक में आता है। डू नॉट डिपेंड अपॉन बायोटिक, ये बायोटिक रिसोर्सेज पे डिपेंड नहीं है। रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड, वाटर, ऑयल, ये सारे रिसोर्सेज इसमें आते हैं। अब बात करते हैं बायोटिक रिसोर्सेज की। रेफर्स टू द लिविंग एलिमेंट्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग एलिमेंट्स हैं वो हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। बायोटिक फैक्टर्स डिपेंड ऑन द एबायोटिक एलिमेंट फॉर सर्वाइवल। बायोटिक जो है वो डिपेंड होता है एबायोटिक पे फॉर देयर सर्वाइवल। रिसोर्सेज एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स। एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स सब आता है हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे दो तरह से कैटेगराइज किया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? द रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड।
बाय फिजिकल केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। देखो जो रिसोर्सेज रिन्यू किए जा सकते हैं, रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फिजिकल केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? द रिसोर्सेज वंस कंज्यूम्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज एक बार कंज्यूम हो गए हैं वो आप दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, कोल। देखो अब बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। फर्स्ट, इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम बार बार यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इट कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम बार बार यूज नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। रिन्यूएबल रिसोर्स हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। पॉल्यूशन फ्री, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर पॉल्यूशन फ्री, वेयर एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉट पॉल्यूशन फ्री। लास्ट पॉइंट, अनलिमिटेड क्वांटिटी। देखो जो नाम ही बोल रहा है रिन्यू, अगर हम किसी चीज को रिन्यू कर पाते हैं तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में बनेगा, और जिस चीज को हम सिर्फ एक बार कंज्यूम करके दोबारा नहीं कर पा रहे हैं तो वो लिमिटेड क्वांटिटी में होंगे, ठीक है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप में क्या किस किस तरह से क्लासिफाई किया गया है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब वन बाय वन पढ़ते हैं इनके बारे में। इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? द रिसोर्सेज ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ने जो प्राइवेटली ओन किए गए हैं रिसोर्सेज, जैसे कि खुद का घर, जैसे मेरा घर, ठीक है, घर, खुद का प्लॉट जो आपको प्राइवेट है, किसी का उस पर हक नहीं है, तो वो हमारा आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज में। कम्युनिटी रिसोर्सेज किसे बोलते हैं? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, जो सबके लिए है, जितने भी कम्युनिटी में मेंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी है, ठीक है, उसके अंदर पार्क है, तो वो सबके लिए है, आपका पर्सनल नहीं है, तो वो सबके लिए एक्सेसिबल है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स एक्सेट्रा। नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? द रिसोर्सेज विच केम अंडर नेशन, जो हमारे नेशन के अंडर आते हैं उनको हम नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज लाइंग बियॉन्ड 200 किलोमीटर मीटर स्क्वायर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन द ओशियन। ओशियन में इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड कितना? 200 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। नो वन कैन यूज दीज रिसोर्सेज विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी इनको यूज नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इनको आप परमिशन लेके ही यूज कर सकते हो। परमिशन कहाँ से लेनी होगी? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व। बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, वो मिल तो जाते हैं किसी रीजन में लेकिन वो यूटिलाइज्ड नहीं होते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, वो रिसोर्सेज जो सर्वे के थ्रू उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी देखी जाती है और डिटरमाइंड किए जाते हैं यूटिलाइजेशन के लिए। स्टॉक, द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड, वो रिसोर्सेज जो सर्वे किए जाते हैं बट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा कमी की वजह से वो यूज नहीं हो पाते हैं। रिजर्व, द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड एंड वी कैन यूज देम विद द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, वो रिसोर्सेज जो सर्वे किए जाते हैं और हम उनको यूज कर सकते हैं प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के साथ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन उनका अभी यूज स्टार्ट नहीं हुआ है,
इसमें क्या है, वेजर्स में क्या है, हमारे पास प्रेजेंट टेक्नोलॉजी भी है, सर्वे के थ्रू ये भी हो गया कि हाँ आप यूज कर सकते हो विद द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, लेकिन उनका यूज ही अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उनको बोलते हैं हम रिजर्व। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये पार्ट वन है, इसके पार्ट टू में हम बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर।